गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह अभी 7 ही बजा है और मेरा ये हालत है, मेरा रिंग फंस गया और ये निकल नहीं रहा है। कल से मैं ट्राई कर रही हूँ और अभी उंगली भी फूल गया है मेरा, तो ये बहुत पेन हो रहा है, निकलने में बहुत मुश्किल हो रहा है। सब कुछ हमने ट्राई कर लिया, सोप, ऑयल, थ्रेड, सब ट्राई कर लिया, अब निकल नहीं रहा है। आई थिंक अभी जाके कटवाना पड़ेगा, तो अब हम लोग शायद जाएंगे, वेट कर रहे हैं बस खुल जाए ज्वेलरी शॉप और जाके ये निकाले। मुझे टेंशन हो रही है अब ये हालत देख के। तो गाइस, सुबह से मैं टेंशन में थी और अभी हम सोच रहे थे जाके रिंग कटवाने का, पता भी मुझे फेसबुक में यहाँ पर एक ग्रुप है दुबई में। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। मैंने उनको पूछा था कि एनी सजेशन एंड ऑल, तो वहाँ पर सबने अपने अपना अलग अलग बताया मुझे, जो कि मैंने ट्राई कर चुका था, थ्रेड, सोप, ऑयल, सब कुछ ट्राई किया था, तो जो काम नहीं आया। अब मुझे किसी ने बताया कि वॉर्म वाटर में सॉल्ट पूरा भर के सॉल्ट डालो और हाथ को 10 मिनट उसमें डुबा के रख दो आप, एंड देन व्हेन यू रिमूव यू पुट ऑयल और धीरे धीरे रिंग को रोटेट करो। और आप देखिए मेरा रिंग निकल चुका है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हाँ, शांति मिल रही है ना मुझे, इतना अच्छा लग रहा है। तो फाइनली मेरा रिंग निकला और मुझे रिंग कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और सबने बोला है कि बॉडी में सॉल्ट का कुछ तो होता है जो बढ़ने से या कम होने से शायद हमारा बॉडी ऐसे स्वेलिंग हो जाता है। और मुझे भी लग रहा है कि मेरा वैसा ही कुछ हुआ है, या तो मुझे शायद डॉक्टर चेकअप करवाना पड़ेगा थायराइड वगैरह का, क्योंकि ऐसे तो नहीं, क्योंकि 3 दिन पहले ही मैंने ये रिंग पहना था, अच्छा खासा अंदर गया था, मतलब रिंग आराम से चला गया था मेरा। ऐसा तो नहीं हो सकता मैं 3 दिन में मोटी हो गई और इतनी मोटी हो गई कि मेरा रिंग ही नहीं खुल रहा है। तो फाइनली ये खुल गया। थैंक यू सो मच IWD, थैंक यू सो मच। इतनी खुशी मुझे आज तक। क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। किसे खेल रहे हो? कौन सा टॉय है? ये तो ये पापा के गिटार के अंदर मिला था, ओडी, दे देखो ना, ओडी। अच्छा, और वो कौन सा है? हमर। दैट हमर। ओके। बुरीली है। स्कूल कैसा था? अच्छा था। अच्छा, गुड इवनिंग गाइस। मैं आज सुबह आया था और आके सो गया, अभी इवनिंग हो गई है। रात की फ्लाइट करने में बहुत तकलीफ हो जाती है यार, नींद की लग जाती है। वाट, देखते हैं मैं रक्षी क्या कर रही है। उसका रिंग निकल गया थैंकफुली। क्या कर रही हूँ? ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड बना रही हो? अच्छा, तुम खाओगे? तुम्हारा रिंग निकल गया? हाँ। चलो गुड, तो नहीं तो कटवाना पड़ता। हाँ चलो गुड। चलो भाई नहाया वहाया जाए। ओह गुड, वेरी गुड। हाँ नहा लिया, फिर भी अच्छा दिखता है। हाँ? फिर भी अच्छा दिखता है। हाँ, मैं थोड़ा आज फर्नीचर देखने जाना है, क्योंकि मैं अगर दिखाऊं, हमने अपना ये बेड शहीद कर दिया। ये बेड चला गया है, इस रूम में भी पेंट हुआ है नया, तो इस रूम के लिए फर्नीचर लेना है। ये सब कुछ निकालना है हमें, निकाल देंगे अभी कुछ दिन में। ड्रेसिंग टेबल भी जाएगा, साइड टेबल भी जाएगा। तो कहाँ चले भाई? हम चले फर्नीचर खरीदने। हम जा रहे हैं पैन एमिरेट्स में कुछ फर्नीचर देखने, कुछ पसंद आएगा तो खरीद लेंगे, नहीं आएगा तो छोड़ देंगे। घर को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, रिनोवेट करने का सोचे हैं। अच्छा बुरा तो पता नहीं, पर रिनोवेट करने का सोचे हैं। कलर तो हो भी गया है, अब उसी के मैचिंग का कुछ फर्नीचर वगैरह आएगा, तो चलते हैं गुरु। तो हम पहुंच चुके हैं पेन फर्नीचर और अब शॉपिंग स्टार्ट। आज का पैन एमिरेट्स, या पैन एमिरेट्स आज का शॉपिंग, देखते हैं आज हमें क्या मिलने वाला है।
सोच के तो आए हैं, बहुत कुछ लेंगे। लेट्स सी क्या क्या मिलने वाला है आज, अभी देखते हैं। मैंने ये कुशन पिक किया है, ये कुशन मुझे अच्छे लगे, ये चार। तब से मनीष कुशन गिराए जा रहा है गिराए जा रहे हो, आदि मत गिराना। तो इसका भी चार। चार क्यों? सोफा इतना बड़ा है, कुशन कम पड़ जाएगा। बेड पसंद आया है ये वाला, इसमें स्टडी टेबल लिखा। और कबर्ड पसंद है हमें ये वाला, पसंद डाइनिंग टेबल मिल गया। मनपसंद तो नहीं बट ये अच्छा लग रहा है, छोटा कॉम्पैक्ट अपने लिए काफी है। क्योंकि हम लोग क्योंकि ये आदमी कभी भी डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठते, ये फंस गया सी है। कम से कम कुछ और उपयोग हो सकता है, खेलना वेलना हो, कार्ड वगैरह। सही है, इसमें बैठेंगे तो पीठ भी सीधी रहेगी, नहीं तो हम लोग बैठते भी दे रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। हमने अपना सारा फर्नीचर निकाल दिया है, सारा मतलब गेस्ट रूम का सारा फर्नीचर हमने निकाल दिया और डाइनिंग टेबल निकाल दिया। और अब हम गेस्ट रूम को पूरा चेंज करने वाले हैं और डाइनिंग एरिया थोड़ा सा चेंज होगा, बस उसी के लिए। हाँ, यहाँ पर इनका लेने कुछ आते हैं, देखते कुछ और हो, लेके कुछ और जाते हैं। प्यारी समझ गई। ये लड़का तब से पीछे पीछे जा जा के मार रहा है, मारना बंद करो तुम। क्या चाहिए, बोलो बोलो बोलो। इतना बड़ा है उसको ये सब चाहिए, सब कुछ सब कुछ। घर में सो के मन नहीं भरा, यहाँ आके बैठ के सो रहे हैं। ले ले बाप बेटे, अलग सोफे में बैठे हो ना तुम लोग, अलग सोफा। हल्का सा ये डार्क है। आदि के रूम के लिए पेंटिंग देखो, तुम पसंद करो। कौन सा अलग ही है, एक ही बार में पसंद लग गया उसको। तो यहाँ पर शॉपिंग हो गई है, बाकी सामान डिलीवर होगा, अब हम ये लेके जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग घर आ चुके हैं, अभी टाइम हुआ है यहाँ पर 11:30। एक बार बीच में आए थे और कुछ सामान भूल गए थे स्टोर में ही, अब वापस गए, फिर वो सब एक्सचेंज मगर जो भी करना था वो सब कर कुरा के अभी 11:30 घर आए हैं। कल हमें निकलना है वापस, तो आज थोड़ा थक गए हैं। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट एंड डिसलाइक एंड मैं इतना मोटा क्यों आ गया, उल्टा बाय। उल्टा बाय बता दिया, उल्टा बाय, उल्टा बाय, उल्टा बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, मार ही दोगे तुम अभी, उल्टा बाय, गुड नाइट।